हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोज। तो यार, अब अपन ने सारे असेंडिंग ट्रैक्स कंप्लीट कर लिए। अब अपन कंप्लीट करेंगे अपनी डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, आप वहाँ से जाकर मेरे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डिसेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रैक्स से बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन बना दिया जनरली सिंपल सा, ठीक है, और ये अपनी क्या हो गई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद ये अपनी क्या हो गई एक मसल फाइबर। तो क्या होगा कि अपने जो नर्व फाइबर्स हैं या फिर नर्व बंडल्स हैं वो कहाँ से ऑरिजिनेट होने चाहिए, ब्रेन से। ऐसे बोलूँ कि यहाँ से क्या ऑरिजिनेट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से इनने ऑरिजन ली, ठीक है, हायर सेंटर से, देन मूव करें। ठीक है, मूव करने के बाद क्या होता है, फर्दर ये अपने डिसेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, वहाँ पे ये टर्मिनेट करते हैं, वहाँ से वापस आके अपने इफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। तो इनका मोशन कैसा हो रहा है, ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड से आए, डिसेंड करके इफेक्टर ऑर्गन के पास आए। तो मतलब ये अपने कौन सी हुए यार बेटा, मोटर हुए अपने। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्स आर मोटर ट्रैक्स। ठीक है, या फिर मोटर नर्व फाइबर्स जो कि अपने ब्रेन से सिग्नल लेके आते हैं अपने इफेक्टर ऑर्गन तक। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे असेंडिंग में, असेंडिंग में अपन ने ये पढ़ा था कि ऑर्गन से कोई भी सेंसेशन लेके जाएंगे कहाँ तक, हायर सेंटर्स तक, ब्रेन तक। तो वो अपने असेंडिंग होते थे क्योंकि वो अपने ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेन से सिग्नल लेके आ रहे हैं इफेक्टर ऑर्गन तक, तो डिसेंड कर रहे हैं नीचे की साइड, तो इसलिए इनको अपन डिसेंडिंग ट्रैक्स बोलते हैं, सिंपल। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं उनका नाम अपन कैसे लिखते हैं, देखो एंटीरियर लेटरल, ये तो अपनी पोजीशन हो गई कि स्पाइनल कॉर्ड में उनकी कैसी पोजीशन है। तो पहले नाम किसका आएगा, जो ब्रेन में कोई सा भी एरिया होगा, ठीक है, जिससे अपनी वो फाइबर ओरिजिनेट करके आ रहे हैं, तो पहले उसका नेम आएगा। उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, फिर स्पाइनो आएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का नाम। फिर उसके बाद अपना क्या ट्रैक आ जाएगा, ऐसे में बाल बोल देता हूँ कॉर्टिको स्पाइनो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट, या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक ट्रैक। ठीक है, तो क्या कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं, फिर वो क्या है ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे इनकी क्या होती है, नेमिंग होती है। तो मैंने आपको जनरल बता दिया, अपन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो फॉर्म बाय द मोटर नर्व फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड डिसेंडिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि यहाँ पे अपने जो मोटर नर्व फाइबर्स थे, मोटर नर्व फाइबर्स क्या करते थे, हमेशा वॉलेंटरी सिग्नल्स लेके जाते थे, वॉलेंटरीज भी हो सकते हैं, इनवॉलेंटरीज भी हो सकते हैं। ठीक है, पर मोटर सिग्नल जो कि अपने ब्रेन से लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन के पास, जो भी अपने को कहीं काम करना होगा उस ऑर्गन से। ठीक है, तो यार इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो होते हैं अपने प्राइमेडल ट्रैक्स एंड सेकेंड होते हैं एक्स्ट्रा प्राइमेडल। तो इससे आप क्या समझते हो, मगर मैं बोलूँ ऐसा कि कुछ फाइबर्स हैं, ठीक है, वो एक प्राइमेट जो प्राइमेड होता है उस टाइप के एक शेप बना के निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमेडल ट्रैक्स। और इन ट्रैक्स के बाहर और भी जो फाइबर्स होंगे उनको अपन क्या बोल देंगे, प्राइमेट के बाहर हैं तो एक्स्ट्रा प्राइमेडल ट्रैक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा प्राइमेडल फाइबर्स। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब इसमें आप देखिए अपने को क्या क्या पढ़ने हैं, जो प्राइमेडल ट्रैक्ट होता है उसमें अपने दो आते हैं, एंटीरियो, ठीक है, एंटीरियो मतलब स्पाइनल कॉर्ड में आगे की साइड होगा, एंटीरियर साइड। कॉर्टिको मतलब कि कॉर्टेक्स एरिया से आ रहा है, ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल मतलब फिर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगा ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अगर असेंडिंग ट्रैक्ट होता तो क्या आता था अपना, स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। ठीक है, स्पाइनो सेरिब्लर ट्रैक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पहले आता था क्योंकि असेंड करने में स्पाइनल कॉर्ड पहले आ जाती है, लेकिन डिसेंड करने में पहले अपना हायर सेंटर आएगा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पोर्शन से मूव करेगा उसको अपन बोलेंगे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और जो लेटरल पोर्शन से मूव करेगा उसको अपन बोलेंगे, मतलब मूव करेगा डिसेंड करेगा उसको अपन बोलेंगे लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, सिंपल। ठीक है, तो इसमें जो अपन मेनली पढ़ेंगे बेटा वो अपन पढ़ेंगे प्राइमेडल ट्रैक्स, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्राइमेडल ट्रैक्ट्स हैं इनको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यार CNS से अपना कम से कम जो क्वेश्चन पेपर बनता है ना उसमें कम से कम 35 से 40 नंबर के बीच का बनता है, तो उसमें से सारे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, तो ट्रैक्ट्स पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है और वो भी बच्चे से वही पूछता है जो इंपॉर्टेंट होता है, आलतू फालतू चीज़ें नहीं पूछते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं पिरामिडल ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ट्रैक्स फाउंड इन मैन, जो इसका पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं, सबसे पहले किस में पाया गया था, मेन में पाया गया था, ठीक है। कंसर्न विद द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, मतलब कि अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो जो अपनी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज होती हैं, वॉलंटरी मतलब मैं अगर हाथ हिला पा रहा हूँ, ठीक है, चल पा रहा हूँ, ये सारी क्या हो गई, मोटर एक्टिविटी हो गई। और कौन सी वॉलंटरी, मतलब मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है, ये काम करवाएगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि अपने कॉर्टेक्स एरिया से आएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा एंड इफेक्टर ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है। नर्व फाइबर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, ये अपने पास सिंस दी बर्थ, मतलब बर्थ के साथ ही ये प्रेजेंट होते हैं अपने पास पिरामिडल ट्रैक्स, ठीक है। माइलिनेशन ऑफ दिस फाइबर कंप्लीट इन अबाउट 2 ईयर्स आफ्टर बर्थ, मतलब कि बर्थ के 2 साल बाद आपका जो पिरामिडल ट्रैक्स, इनमें जो माइलिनेशन होना था वो कंप्लीट हो जाता है। हैव टेंडेंसी टू डिसअपियर एट दी ओल्ड एज, और इनके पास टेंडेंसी होती है कि ओल्ड एज में ना ये डिसअपियर कर जाते हैं बेटा। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपकी मोटर वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो वहाँ पे क्या थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगी तो आपको अपनी बॉडी में सीवरिंग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनके हाथ पैर कपते रहते हैं, कपते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पिरामिडल ट्रैक्स धीरे धीरे क्या डिसअपियर करने लगते हैं। इस वजह से उनको जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होने थे, जो मसल टोन रेगुलेट होनी थी उनकी, वो रेगुलेट नहीं हो पाती है और वहाँ पे उनको सीवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। पिरामिडल ट्रैक्स आर एक्सॉन्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स, देखो बेटा 2 चीज़ याद रखनी है अपने को, अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं कि ये क्या है, अपना ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन की मतलब कि न्यूरॉन बॉडी से जो एक्सॉन निकल के आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन हो गया मान के चलो, ठीक है, जो ब्रेन से ओरिजिनेट होकर आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन से निकल के जाने वाले एक्सॉन्स की बात करता हूँ, ऐसे ही एक्सॉन्स निकल के गए, तो दिस इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक। अपर मोटर न्यूरॉन्स मतलब हायर सेंटर से निकलते हैं। आप नॉर्मल देखिए यार, कोई बंदा अगर आपके सामने खड़ा है तो उसका ब्रेन सबसे ऊपर है ना, तो ऊपर से जो निकलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे दिस इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे क्या, जो पिरामिडल ट्रैक्ट है इनकी ओरिजिन, कोर्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो पहले बेटा मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम से अपने को ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। तो डायग्राम बताऊँगा फिर थ्योरी पढ़ लेंगे अपन। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से देखो सेंसरी एरिया है, सोमेटो सेंसरी एरिया, जो कि एरिया नंबर 3, 1, 2 में प्रेजेंट होता है। फिर आता है अपना प्री मोटर एरिया नंबर 6, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी 4, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज, ठीक है। इनसे अपने ओरिजिनेट करते हैं कौन से, पिरामिडल ट्रैक्स। आपने यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे ऐसे कुछ अरेंज होके आ रहे हैं, नीचे डिसेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में से पास कर रहा है, कौन सा है, बेसल गैंगलियन एंड थैलमस, इनके बीच से पास करता है। और इनके पास होने की वजह से ये फॉर्म करता है क्या, इंटरनल कैप्सूल। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं वही फॉर्म करते हैं अपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल आप एनाटॉमी में और पढ़ोगे बेटा, तो एनाटॉमी में आप पढ़ोगी ऐसा शेप रहता है उसका, थोड़ा बी टाइप का। यहाँ पे लेंटिफॉर्म एंड पुटमैन क्या रहते हैं, यहाँ पे और न्यूक्लियस रहती है, ठीक है, क्वाडेट रहती है न्यूक्लियस। यहाँ पे थैलमस से एक साइड से बाइंड रहता है अपना इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल बना के यहाँ से पास होता है इनके बीच में से, फिर क्या होगा। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे फैन टाइप का बन रहा है ना, ये भी टाइप का यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इंटरनल कैप्सूल से डिसेंड करेगा, डिसेंड कर दिया, इंटरनल कैप्सूल का फॉर्मेशन करके डिसेंड करेगा, फिर और नीचे आएगा, धीरे धीरे पहुँचेगा कहाँ पर, फिर अपना ये मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन में आ गया, मिड ब्रेन से डिसेंड करेगा तो पोन्स में आ जाता है, ठीक है। पोन्स में आके क्या करता है बेटा, ये पोन्स में आके ये न्यूक्लियस पे कुछ टर्मिनेट करेगा वहाँ पे, वहाँ से फिर आगे इसके बंडल फाइबर्स बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही ये अपना मेडुला में पहुँचता है, तो मेडुला में जाके क्या होता है, यहाँ पे ये डिवाइड करता है, ठीक है, पिरामिडल डिकासेशन करता है। डिकासेशन मतलब क्या होता है, कुछ फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं मिड लाइन को, ये अपनी मिड लाइन थी, ठीक है, कुछ फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं मिड लाइन को, इसी को बोलते हैं अपन क्या, डिकासेशन। और कुछ फाइबर्स सीधे के सीधे नीचे रन करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे बाइफर्केशन हो गया, ठीक है, ट्रैक्ट का। तो क्या होता है, 80% ऑफ ट्रैक्ट, ठीक है, क्या कर जाते हैं,
पैरामिडल डेक्सेशन कर जाते हैं जो कि क्रॉस कर जाते हैं, और 20% जो टैक्स बचते हैं बेटा वो सीधे के सीधे नीचे चले जाते हैं, ठीक है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करते। तो ये हो गया अपना सेम। फिर इसके बाद अपन आते हैं किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। तो क्या होता है बेटा कि जो अपने 80% पिरामिडल ट्रैक्स का डेक्सेशन हुआ था, तो वो क्या करते हैं अपने जाते हैं कौन से, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, कॉर्टेक्स से अब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर गए, तो इसलिए इनका नाम क्या होगा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे बन गए ट्रैक्ट, ठीक है। तो ट्रैक्ट यहाँ पे बन गए, तो एक यहाँ पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल पोजिशन पर क्या मूव करेगा, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, अगर यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे अपने हॉर्न बन गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेटरल हो गए, ठीक है। तो लेटरल साइड से मूव करते हैं डाउन बॉडी, ठीक है, डाउनवर्ड करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे 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 ये नीचे डिसेंड करते हैं, ठीक, और बीच में से बहुत सारे का होता है, ऐसे मान चलो कि ए है अपना, ठीक है, निकल रहा है नीचे, डिसेंड कर रहा है ट्रैक, इससे बीच से थोड़ी थोड़ी ब्रांच निकल के क्या, ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं अपने एंटीग्रे हॉर्न में, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, गामा मोटर न्यूरॉन्स, तो उनके ऊपर ये टर्मिनेट कर देते आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और क्या होता है, इसके बाद ये फाइनली टर्मिनेशन हो गया इसका अल्फा मोटर न्यूरॉन या गामा मोटर न्यूरॉन्स पे, ठीक है। उसके बाद गामा मोटर न्यूरॉन से फर्दर और फाइबर्स निकलते हैं, ठीक, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व अपनी क्या करती है, जाके किसी भी इफेक्टर ऑर्गन्स पे अपना फंक्शन शो करती हैं, ठीक है। और जो 20% यहाँ पे बचते हैं, ठीक है, वो 20% क्या करते हैं, अपने एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या करते हैं अपनी एंटीरियर पार्ट से क्या स्पाइनल कॉर्ड के से डिसेंड करते हैं, और ए भी क्या अपनी ब्रांच निकालते हैं और टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो अपने एंटीरियर, जो एंटीरियर हॉर्न में थे अल्फा मोटर और गामा मोटर न्यूरॉन्स, उन पर टर्मिनेट करते हैं एंड देन फर्दर डिसेंड करते जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद अपने जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं बेटा वो डिसअपियर कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पतले होते हैं और यहाँ पे इनकी ब्रांचिंग होती रहती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए बेटा, यहाँ पे इसकी ये ब्रांचिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग के फाइबर्स ना क्रॉस करके जा रहे हैं मिड लाइन को, ठीक है, क्रॉस करते रहते हैं मिड लाइन को और धीरे धीरे काफ़ी पतले होकर टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, फुल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में रन नहीं कर पाते। तो ये तो अपना हो गया इस साइड का, तो यार यहाँ पे भी एक सेम ऐसा ही बना होगा, ठीक है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, ठीक है, सिंपल। तो ये तो अपन ने समझ लिया यहाँ पे डायग्राम से, अब इसकी अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में अपन देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, जाइंट सेल्स या फिर बेड सेल्स और या पिरामिडल सेल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे होते हैं अपनी प्री सेंट्रल गायरस ऑफ मोटर कॉर्टेक्स में होते हैं, जो कि सिचुएट होता है अपना एरिया नंबर 4 में, ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया, जो कि क्या करता है प्राइमरी मोटर एरिया अपना होता है एरिया नंबर 4, ठीक है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, इतना अपने को याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने क्या, यहाँ से अपने 30% ऑफ दी पिरामिडल ट्रैक्स ऑरिजिनेट करते हैं। 30% कहाँ से करेंगे, और प्री मोटर एरिया मतलब एरिया नंबर 6, जिसको अपन सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से बोलते हैं, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल लोब, इनसे अपने 30% और होंगे, तो अभी तक अपने 60% हुआ है ऑरिजिनेशन। अब जो 40% बचे हुए होते हैं वो अपने ऑरिजिनेट करते हैं सोमेटो सेंसरी एरिया ऑफ, ठीक है, ऑफ पेराइटल लोब, जो पेराइटल लोब होता है वहाँ से क्या करते हैं अपने ऑरिजिनेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी कोर्स की, तो कोर्स में तो मैंने आपको बता दिया, बट लेकिन इसका कोर्स और आपको एक्सप्लेन करूँगा थ्योरी से, ठीक है। तो मैंने आपको एक टर्म बताया था बेटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएट, देखो कोरोना, ठीक है, अपने वो वाला कोरोना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेडिएटे का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ रेडिएशन सी लग रही है समझ में नाम से, तो क्या कर रहा है ये, रेडिएशन सा निकाल रहा है ऐसा, ठीक है, जो अपना रहता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे एक कंबाइन होकर नीचे डिसेंड करते हैं, तो यहाँ पे रेडिएशन टाइप के दिख रहे हैं अपने को, इसलिए इसका नाम रखा है कोरोना रेडिएटा। फैन शेप स्ट्रक्चर होता है, नर्व फाइबर्स रन्स डाउनवर्ड, नीचे डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है, ब्रेन से थ्रू दी व्हाइट मैट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, ठीक है, कन्वर्ज इन द फॉर्म ऑफ फैन लाइक स्ट्रक्चर, फैन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है अपना, ठीक है, विथ असेंडिंग फाइबर्स फॉर्म थैलमस टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटर बनता है, तो इसके साथ साथ अपने को पता था कि अपना ये थैलमस है और ये अपना ब्रेन है, तो अपना थैलमस और ब्रेन के बीच में अपने असेंडिंग ट्रैक्स जाते थे, याद है अपने को, थर्ड मोटर न्यूरॉन्स होते थे, ठीक है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जाते थे यहाँ से निकल के थैलमस से कहाँ तक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, ठीक है, तो उनके साथ ये मिलकर क्या बनाते हैं, कोरोना रेडिएटा, जो कि फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, इनने फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, अब यहाँ पे एक कॉमन बंडल टाइप का बन गया, अब ये बंडल पास करता है, ठीक है, पासिंग डाउनवर्ड थ्रू, ठीक है, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के से मतलब पास करके जाता है और पहुँचता है कहाँ पे,
ब्रेन स्टेम तक, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है इंटरनल कैप्सूल, जो कि अपने पिरामिडल ट्रैक्ट्स ही फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, जो कॉर्ना रेडिएटा था वो कन्वर्ज हुआ, ठीक है, और फॉर्म कर रहा है इंटरनल कैप्सूल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो इंटरनल कैप्सूल का फॉर्म हुआ, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में, थैलमस के बीच में होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, कुछ एनाटॉमी में, ठीक है, तो यहाँ पे रहता है अपना थैलमस, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे थैलमस के में बीच में प्रेजेंट होता है, और किसके बीच में होता है, मीडियल साइड ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस आप पढ़ोगे, ठीक है, उसके मीडियल साइड होता है, और लेटरल साइड होता है लेंटिक्युलेट नर्व के, ठीक है, लेंटिक्युलेट नर्व या फिर न्यूक्लियस, ठीक, लेंटिक्युलेट जो न्यूक्लियस होती है उसके क्या होगा, लेटरल साइड होगा। तो ये हो गया अपना इंटरनल कैप्सूल, ये तो आप सेपरेट पढ़ोगे यार एनाटॉमी में, तो इसमें तो कोई लोड लेना ही नहीं, क्योंकि ये अपना एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडुला की, ठीक है। मेडुला कहाँ होता है बेटा अपना, अपन ने ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ठीक है। तो क्या होगा, अब जैसे ये मेडुला में एंटर करता है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला में क्या करेगा, ये ट्रैक्ट ऑन द ईच साइड डिवाइड इंटू टू बंडल्स, टू बंडल्स में डिवाइड कर जाता है, कहाँ पे, लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला में, ठीक है। तो क्या करेगा, कुछ क्रॉस कर जाते हैं मिड लाइन, ठीक, जिसे अपन बोलते हैं पिरामिडल डेकर्सेशन, ठीक है। तो वहाँ पे 80% ऑफ दी यहाँ पे बंडल में से डिवाइड कर गए, और जो 20% करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, पिरामिडल डेकर्सेशन नहीं करते हैं, ठीक है, इतना अपने को पता है। अब क्या होता है, अभी सारे के सारे दोनों के दोनों एंटर करते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड में। पहले मैं बात करूँगा आपको पिरामिडल डेकर्सेशन की, ठीक है। तो जो 80% थे वो क्या करते हैं, पोस्टियर पार्ट ऑफ लेटरल व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से डिसेंड करेंगे, पहुंचेंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, वहाँ पे इनको जो नाम दिया गया है, ठीक है, या तो इनको अपन क्रॉस पिरामिडल ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये मिड लाइन को क्या क्रॉस करके आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि लेटरल साइड जा रहे हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल साइड से क्या ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, थीके? या फिर इनको इनडायरेक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि क्रॉस होके आ रहे हैं, डायरेक्ट तो आ नहीं रहे, इसलिए इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं 20% की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर रहे हैं, तो डिसेंट, ठीक है, एंटीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर व्हाइट कॉलम से एंट्री लेते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, अनक्रॉस पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ठीक है। अनक्रॉस क्यों, क्योंकि ये अनक्रॉस होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से डिसेंड करेंगे। और डायरेक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्रॉस नहीं करते, इसलिए इनको डायरेक्ट बोला जाता है, सिंपल, ठीक है। अपन ने यहाँ पे कोर्स देख लिया, अब इनके टर्मिनेशन की बात करते हैं, कि टर्मिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में अब रन करते जाएंगे, क्या होगा, टर्मिनेशन इन दी मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द एंटीरियर ग्रेहॉर्न। मैंने बेटा आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ये अपना ग्रेहॉर्न है, ठीक है, इसके एंटीरियर पोर्शन ये होगा अपने एंटीरियर हॉर्न, ये अपने पोस्टियर हॉर्न थे, तो यहाँ पे होती है न्यूक्लियस, ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और गामा मोटर न्यूरॉन, और रेंसो सेल्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे तीन पढ़ाई थी मैंने आपको। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इनका टर्मिनेशन होता है, ठीक, ऑन बोथ अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड बीटा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। लीव स्पाइनल कॉर्ड एज अ स्पाइनल नर्व, क्या होगा, यहाँ तक तो अपने चलो भाई ट्रैक्ट्स आ गए, ठीक है, एंटीरियर या फिर लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, फिर यहाँ से अपनी नर्व जाती है, जिनको अपन बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि यार किसी ऑर्गन को सर्व कर रही, कुछ स्पाइनल नर्व सर्व कर रही, जो कि अपने स्पाइनल कॉर्ड के T3 से T4 तक आ रही हैं, या फिर T5 से T6 तक आ रही हैं, तो वो यही नर्व होती हैं यार, स्पाइनल नर्व, जो अपनी मोटर इम्पल्स लेके आती हैं, या फिर मोटर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व से फर्दर एक्टिविटी आगे ट्रांसमिट होगी थ्रू एंटीरियर नर्व रूट, क्या होता है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में आपको फिर से बता देता हूँ क्या होता है, कि ऐसे मान के चलो कि ये अपनी क्या हो गई, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या हो गया, ग्रे मैटर। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो अपना ये क्या रहता है, पोस्टियर रूट, ठीक है, और इसके आगे होता है एक एंटीरियर रूट, ठीक है। पोस्टियर रूट में क्या, ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन से सिग्नल लेके जाएगा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन पे, और अगर ब्रेन से कोई सिग्नल आ रहा है तो वो सिग्नल आता है और इस एंटीरियर रूट से निकल के चला जाता है कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक है। ये तो सिंपल अपना हो गया, अब आगे की बात करते हैं, ठीक, और इसके बाद फ्री क्या करते हैं, फाइनली सप्लाई कर देते हैं अपने स्केल्टल मसल को, ठीक है, जो भी ऑर्गन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन की इनसे बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कंसर्न्ड विद द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी,
बॉडी के जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो अपने पिरामिडल ट्रैक से ही क्या होते हैं, कन्वे होते हैं। ट्रांसमिट मोटर इम्पल्स फ्रॉम द मोटर एरिया, ठीक है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक, कहाँ से, मोटर एरिया से, ठीक है, जो कि अपना क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है, टू द एंटीरियर मोटर न्यूरोन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स अल्फा या गामा, ठीक है, ये दोनों न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन स्किल मूवमेंट्स, फाइन और स्किल्ड, फाइन मतलब कैसा है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने कुछ लिखा, ए ड्रॉ किया, तो मैं इतनी फाइन कहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है, इतनी, देखो यहाँ पे मतलब फाइन का मतलब क्या है, बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल प्रिसाइज, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई जो कि कोई होता है भाई मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो उनकी क्या बहुत फाइन मूवमेंट्स होते हैं, वो फाइन मूवमेंट्स कौन कर रहे हैं अपने कान में, अपने वो कर रहे हैं पिरामिडल ट्रैक्स, ठीक है। स्किल मूवमेंट्स, स्किल मूवमेंट जैसे आपके कोई होगा यार ऐसे आपका लिखना पढ़ना, ठीक है, जो आप सीख रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग वगैरह सब इसका स्किल मूवमेंट्स होते हैं, तो इन मूवमेंट्स को भी कौन करवाता है अपना, पिरामिडल ट्रैक्स, ठीक है। अब क्या होता है, लेसन्स ऑफ, ठीक है, लेसन्स ऑफ द पिरामिडल ट्रैक, अगर पिरामिडल ट्रैक्स में कोई सा भी लेसन होता है, इंजरी होती है, तो अपने को क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक। तो अब एक चीज़ समझिए, मैं आपको पहले ही पढ़ा के आया हूँ, अपर मोटर न्यूरॉन लेसन्स बताऊंगा यहाँ पे और लोअर मोटर, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो अपने मेन ब्रेन से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स जो अपने ब्रेन से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होते, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उन्हें लोअर मोटर बोलते हैं, और जो ब्रेन से होते हैं उन्हें अपर मोटर बोलते हैं। तो क्या अपर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई लेसन हो रहा है, अगर ब्रेन में कोई लेसन हो रहा है, तो उसके बाद अपने को क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेसन्स अकर मोली इन स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स का मतलब क्या, जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ड्यू टू हीमरेज एंड थ्रोम्बोसिस के कारण, ठीक है, तो अपना क्या होता है, अपने को यहाँ पे कोई इंजरी देखने को मिल सकती है ब्रेन में, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, लूज ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स कर रहे थे अपन, हाथ पैर चलाना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। स्पास्टिसिटी, ठीक है, स्पास्टिसिटी क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज कर जाती है, जिसे अपन बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। अब आप एक चीज़ देखिए यार, यहाँ पे क्या होता है कि अपना एक ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन क्या कर रहा है, यहाँ से इंपल्स भेज रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पे न्यूक्लियस थी, उस न्यूक्लियस ने अपनी मसल को यहाँ पे सिग्नल भेजा, तो अपना नॉर्मल ब्रेन रहता है ना, वो अपना क्या भेजता है, इनहिबिटरी इंपल्स, ठीक है, इनहिबिटरी, ठीक है, इनहिबिटरी इंपल्स भेजता है कि भाई जो मसल की टोन है आप उसको कम करके रखो, ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का, वो तो क्या करता है, मसल टोन की बढ़ाने की कोशिश करेगा, मसल टोन को जर्नली बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन अपने ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं, इनकी वजह से वो टोन इनहिबिट होती है, ठीक है, और टोन का मेंटेनेंस होता है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे लेसन हो गया, तो क्या जो इनहिबिटरी सिग्नल्स अपने ब्रेन से आ रहे थे वो तो बंद हो जाएंगे, तो क्या करेगा, अपनी बॉडी अपना काम बिल्कुल मनमौजी से चलाएगी, मसल स्टोन्स बढ़ाती जाएगी, तो मसल स्टोन्स की बढ़ने की वजह से अपने को यहाँ पे पैरालिसिस देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है, ड्यू टू फॉल्यूर ऑफ द इनहिबिटरी इंपल्स फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन्स, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। थर्ड क्या होता है, लूज ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एंड डीप रिफ्लेक्स ऑफ एग्जैगरेटेड, ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होते हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स क्या बेटा, आप ये डोमेस्टेट करते हो, ठीक है, फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में आप इनको पढ़ोगे, इसमें अपन बहुत सारे देखते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में, ठीक है, अलग अलग देखते हैं, ठीक है, एब्डोमन के देखते हैं, ठीक है, अपने जो लेग है, फीट है, उसमें देखते हैं, ठीक है, ये सब देखते हैं। अब यहाँ पे एक और साइन देखने को मिलता है आपको, कौन सा, बेबिनिस्की साइन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे मैं बताऊँ आपको कि जो आपका ऐसे डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, ये आपका पैर है, ठीक है, तो क्या कर जाएगा, जो थंब होता है ना बेटा, थंब और यहाँ पे जो उंगलियाँ ना वो फ्लेक्स कर जाती हैं इस साइड को, ठीक है, तो प्लांटर फ्लेक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, इस वजह से अपने को बेबिनिस्की साइन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ लेसन्स एट द डिफरेंट लेवल, ठीक है, अलग अलग लेवल पे देखते हैं लेसन्स से क्या हो रहा है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करता हूँ मैं, जहाँ से अपने ऑरिजिनेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हाइपरटोनिया हो जाता है, ठीक है, हाइपरटोनिया मतलब क्या होता है, जो टोन होती है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इनहिबिटरी इंपल्स ट्रांसमिट हो रहे थे बेटा वो नहीं हो पाएंगे, तो अपनी बॉडी में टोन इंक्रीज हो जाएगी, तो हाइपरटोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। स्पास्टिसिटी वही, ठीक है, और कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया का मतलब क्या समझ में आता है आपको, तो इसका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे,
राइट पेज पे चलते हैं। कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया में क्या होता है कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई सा ट्रैक्ट आ रहा है, इसमें आपका लेसन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रालेटरल में क्या होता है कि बेटा एक साइड का, ठीक है, मोनोप्लेजिया मतलब एक, ठीक है, या तो आपका एक हाथ का पैरालिसिस होगा, या तो इस हाथ का होगा, या तो फिर एक पैर का होगा, या तो फिर इस पैर का होगा, ठीक है। मोनोप्लेजिया मतलब एक ही लिम्ब का क्या होगा यहाँ पे पैरालिसिस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब क्या, अपोजिट साइड, अगर इस साइड लेसन होता है तो अपोजिट साइड का होगा, और इस साइड वाले में अगर कोई सा भी लेसन होता है तो इसके अपोजिट साइड वाले का होगा, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे देखो तो ये क्या बोल रहा है, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, मतलब एक लिम्ब का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया का मतलब क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब कि जो अपोजिट साइड थी ना, वहाँ पे उसकी एक अपोजिट साइड की क्या, बॉडी का पूरे दोनों लिम्ब्स का, एक हाथ और एक पैर ऑफ द सेम साइड, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया में, ऐसे आप यहाँ पे देखो ये दो ट्रैक्स आ रहे थे, अगर इस साइड का ट्रैक में अगर लेसन होता है तो इस साइड के हाथ पैर का क्या प्लेजिया हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड आएगा तो इस साइड वाले का हो जाएगा, ठीक, कॉन्ट्रालेटरल। सेकेंड क्या होता है अपना, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, अगर इंटरनल कैप्सूल पर अगर आपने को कोई लेसन देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया देखने को मिलता है। हेमिप्लेजिया क्या मतलब, एक साइड की बॉडी पूरी पैरालाइज कर जाएगी, जो भी बताया। अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया, ठीक है, या फिर हेमिप्रेसिया, ठीक है, हेमिपैरेसिस ये अपन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ द मसल्स इन दी वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब वहाँ पे अपनी जो बॉडी है वहाँ पे अपनी एक साइड की मसल्स में पूरी की पूरी वीकनेस आ जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे सिक्स एंड सेवन्थ क्रेनियल नर्व होती है, वो भी साथ में पैरालाइज करती है, अगर ब्रेन स्टेम में अगर अपने को प्राइमेडल ट्रैक्स में कोई भी लेसन देखने को मिलता है तो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई सा भी लेसन होता है तो क्या देखने को मिलता है अपने को, यूनिलैटरल लेसन ऑफ द लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, जो लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स थे अगर उसमें कोई लेसन आता तो वहाँ पे अपने को यूनिलैटरल लेसन देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब इप्सिलैटरल हेमिप्लेजिया। तो बेटा क्या होता है इप्सिलैटरल हेमिप्लेजिया में, कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना रखी है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो अपने अल्फा मोटर और गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे इप्सिलैटरल में, क्या होता है, ये वाला अपना कौन सा है, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एंड दिस इज द एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करते हैं, लैटरल साइड से डाइकसेप्ट होकर आते हैं ऊपर से क्रॉस करके, ठीक है, नीचे आ गए। अगर यहाँ पे कोई स्पाइनल कॉर्ड में इनमें लेसन क्रिएट होता है तो क्या होगा, इनकी न्यूक्लियस भी इस साइड है, और इसी न्यूक्लियस से इसी साइड के लेग या फिर हैंड को क्या करते हैं, ये लोग ट्रांसमिट करते हैं अपना सिग्नल्स, ठीक है, मोटर सिग्नल्स। अगर यहाँ पे कोई लेसन क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो हैंड और लेग थे तो दोनों का क्या यहाँ पे पैरालाइज हो जाएगा, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो अपने क्या दिखता है, इप्सिलैटरल हेमिप्लेजिया, इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड ऑफ द लेसन, अगर लेफ्ट साइड लेसन हो रहा है तो लेफ्ट साइड के हैंड रहेगा और जो लेग रहेगा दोनों का पैरालिसिस अपने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रालेटरल की बात करते हैं ना, वो अपने को देखने को किस में मिलता है, मोस्टली क्रॉस फाइबर में, जो कि अपनी एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें सीधा तो एंटीरियर साइड से तो रन करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इनकी ब्रांच निकल के कॉमन जो मीडियल लाइन होती है उसको क्रॉस करके अपोजिट साइड जाके, अपोजिट साइड की जो एंटीरियर ग्रेहॉर्न न्यूक्लियस होती है वहाँ पे जाके टर्मिनेट करते हैं। तो क्या होगा, अगर इनमें इस साइड अगर कोई सा भी लेसन होता है तो बेटा इस साइड का क्या यहाँ पे सेंसेशन लूज होगा, अगर जो इस साइड वाले होंगे एंटीरियर वाले तो उसमें इस साइड का लूज हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल और जो अपने लेटरल कॉर्ट, जो अपने लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें अपने को क्या दिखता है, इप्सिलैटरल हेमिप्लेजिया, ठीक है, अपने को समझ आ गया, ठीक है। क्या होता है, बाइलेटरल लेसन इन दी थोरेसिक एंड लंबर सेगमेंट, अगर बाइलेटरल हो रहा है, यूनिलेटरल तो मतलब एक साइड के ट्रैक्ट में, बाइलेटरल मतलब क्या, अगर दोनों साइड के ट्रैक्ट मान लूँ मैं, दोनों ट्रैक्टों में क्या हो रहा है, लेसन देखने को मिल रहा है, तो अपने को क्या मिलेगा, और वो भी कौन से लेवल पे, थोरेक्स एंड लंबर सेगमेंट पे, ठीक है, थोरेक्स और लंबर पे अगर अपने को बाइलेटरल लेसन देखने को मिल रहा है तो बेटा क्या होता है यहाँ पे, अपनी दोनों पैरों के ना पैरालिसिस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइड वाला इस साइड को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा और इस साइड वाला इस साइड को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, तो दोनों का पैरालिसिस, यहाँ पे दोनों की इंजरी हो गई दोनों ट्रैक्स की, तो दोनों लेग यहाँ पे पैरालाइज कर जाएंगे, ठीक है।
तो ये तो था अपना जनरली सारा, अपन ने यहाँ पे पिरामिडल ट्रैक्स कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए आप, ठीक है। पिरामिडल ट्रैक्स थे अपने जो, ठीक है, ये अपने अपना क्या एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स पढ़ लिया और लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स पढ़ लिया, ठीक है। सिचुएशन देख लीजिए आप, एंटीरियर वाइट कॉलम में होते हैं, ये लेटरल में होते हैं। ओरिजिन देखो, ये बैड सेल्स से करते हैं और ये भी बैड सेल्स करते हैं, दोनों का सेम ही है। इनका कोर्स देखते हैं, ये अनक्रॉस होते हैं, अपन को पता है यार एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स अनक्रॉस, ठीक है, जो क्रॉस होते हैं वो लेटरल होते हैं और इनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं दोनों के। आपको यही पढ़ने जो एक्स्ट्रा प्राइमल ट्रैक्स हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर आपका मन करता है तो आप इनको एक बार पढ़ जाना, रीड कर जाना, ठीक है। इतना टाइम तो निकाल लोगे, 5-10 मिनट की आप इसको रीड कर सकते हो, तो रीड करके चले जाना एक बार, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और इसके बाद यार इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो SN आता है, ठीक है, डायरेक्ट डिसेंडिंग ट्रैक नहीं पूछता, फिर डायरेक्ट पूछता है प्राइमल ट्रैक्स पे SN लिखिए। आपके दोनों ट्रैक्स लिखने हैं, जैसा मैंने आपको दिया है सेम टू सेम ऐसा लिख दीजिए, आपको काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।